जहाँ पे ओडिया फिल्म को या फिर ओडिया फिल्म के स्टार है, जिस फिल्म में काम कर रहे, जिस फिल्म को 6 लैंग्वेज में रिलीज करना है, उस फिल्म का ओडिया टाइटल ही गलत है और ओडिया ही उनको पता है या फिर नहीं हमें नहीं पता। बट ये तो बहुत बड़ी गलती है। लेकिन वहीं पे एक फिल्म आ गया है ज़िगाटो, जो कि पूरा ओडिशा में ही शूटिंग हुआ है। सिर्फ ओडिशा में ही शूटिंग नहीं हुआ है, ओडिशा को पूरा कितना अच्छे तरीके से दिखाया गया है और ओडिया भाषा भी इसमें डाला गया है। ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि एक बॉलीवुड फिल्मों में इतने बड़े कलाकार भी है उनके फिल्मों में, कि यार मतलब इस तरीके को इतने अच्छे से दिखाया गया है। जहाँ बॉलीवुड फिल्म है कि अपना ही भाषा अपना कल्चर को तोड़ रहा है, लेकिन वहीं पे कपिल शर्मा ने तो ये दिखा दिया कि ओडिया के ओडिशा के जो लोग हैं, ओडिशा कल्चर है कितना बेस्ट है, वो चीज़ें उनके फिल्मों में दिखाया गया बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप लोग ने नहीं पता तो आप लोग जाके आराम से देख लीजिए। कि इस मूवी को ना सबको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये ओडिशा के कल्चर के साथ रग रग के जुड़ा है। ऊपर से ये फिल्म आपको रुला के रख देगा कि मिडिल क्लास लड़के कितना जो है स्ट्रगल करता है अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए। तो ये हमारे जैसे मिडिल क्लास के लड़के ही अच्छा से जान पा रहा होगा। देखिए, कपिल शर्मा का जो कैरेक्टर है वो एक डिलीवरी बॉय का कैरेक्टर है और वो अपने बीबी और एक लड़का लड़की अपनी माँ के साथ जो है लाइफ गुजारते, बट ऐसा होता है जिसके वजह से कहीं ना कहीं उसके लाइफ में काफ़ी परेशानी आ जाता है और किस तरीके से वो उस अपनी परेशानी को दूर करता है, इस मूवी में अच्छे से दिखाया गया है। मिडिल क्लास जो लोग होते हैं हर एक सिचुएशन पे अपने आप को कैसे ढालते हैं, किस तरह से अपने आप में खुशी ढूंढते हैं उतने में ही, तो ये चीज़ आराम से वो अच्छी तरीके से दिखाई गई है। और फिल्म अच्छे से एकदम कूल तरीके से शुरू होता है और एक आरामदायक से तरीके से ख़त्म भी होता है। आपको मज़ा आ जाएगा फिल्म देख के। फिल्म आपको कहीं भी बोर नहीं करने वाला है। बेकार का सॉन्ग नहीं है, बेकार का कोई डायलॉग नहीं है, सब के सब एक गिना चुना बहुत ही अच्छा लगा। भाई फिल्म को मैं 5 में से 4.5 दूंगा, बहुत ही अच्छा।